बता दूं कि पदयात्रा की शुरुआत जो है एक महीने पहले शुरू हुई थी। मई के महीने में गंगोत्री से शिवरंजनी तिवारी ने पदयात्रा की शुरुआत की थी। एक संकल्प उनके मन में, हालांकि संकल्प पर खुलकर बात नहीं कह रही है और बार बार यही कह रही है कि 16 जून का इंतजार कीजिए। इस वक्त हम चित्रकूट में मौजूद है और कल अहले सुबह बताया जा रहा है कि संत उन्हें विदाई देगा और यहां से यात्रा जो है आगे बढ़ेगी बागेश्वर धाम के लिए। हम खुद रुक करते हैं शिवरंजनी तिवारी जो कि इस वक्त कमरे में मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि किस तरीके से कल सुबह जब यात्रा की शुरुआत होगी यहां से बागेश्वर धाम के लिए, तो वही संकल्प उनके मन में जो शेयर अभी करना नहीं चाह रही है शिवरंजनी। ये कलश आप देख पा रही होंगी नैना, यही वो कलश है जिसे लेकर, जिसमें गंगा जल भरकर गंगोत्री से जो है यात्रा की शुरुआत की है। एक संकल्प मन में है शिवरंजनी, मैं फिर से एक बार कैमरे पर भी पूछूंगी, कैमरे के बगैर भी मैंने पूछा था, वो संकल्प क्या है अगर आप दर्शकों को बता पाए। जय श्री बागेश्वर धाम की। देखिए ऐसा है, संकल्प मैंने अब तक किसी भी न्यूज चैनल में मैंने डिस्क्लोज नहीं किया है और मैं हर किसी को यही कह रही हूँ कि इस संकल्प कुछ बातें राज ही अच्छी लगती हैं, तो क्यों ना हम 16 तारीख को स्वयं महाराज श्री के मुख से ही सुन लेंगे इस संकल्प के बारे में, क्योंकि वो तो प्राणनाथ है, अंतर्यामी है, हर किसी के मन की बात जानते हैं, तो डेफिनेटली वो मेरे मन की बात भी जानी जाएंगे। जय श्री बागेश्वर धाम। आपने कहा प्राणनाथ भी कहा, प्राणनाथ सनातन धर्म में किसे कहा जाता है ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है शिवरंजनी, इसीलिए लोगों को डाउट हो रहा है, संदेह हो रहा है। और ये बातें जो हो रही हैं उस बारे में क्या कहेंगी कि आपने मन ही मन मान लिया है कुछ बाबा बागेश्वर को, पंडित धीरेन्द्र शास्त्री को, और वही संकल्प लेकर आप आगे बढ़ रही हैं। देखिए मैं प्राणनाथ तो इसलिए कहती हूँ क्योंकि प्राणों के नाथ वो होंगे जो हमारी मन की हर एक बात जानते होंगे, और चूंकि पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी महाराज हर किसी के मन की बातें बिना बोले जान जाते हैं, उनके सामने किसी को कुछ बोलने की जरूरत नहीं पड़ती है, तो इसलिए मैं उन्हें प्राणनाथ से संबोधित करती हूँ। और देखिए मैंने मन में क्या माना है क्या नहीं माना है ये सिर्फ मेरे बालाजी सरकार जानते हैं और सिर्फ वही जानेंगे। आगे जो भी मेरा संकल्प है मैं 16 तारीख के बाद में खुद अपने आप बताऊंगी हर मीडिया को। अच्छा, अभी तक की यात्रा की बात करें, आपने बताया कि मई के महीने में गंगोत्री से इस यात्रा की शुरुआत हुई, चित्रकूट में अभी आपका पड़ाव है, चित्रकूट में भी तमाम मंदिरों के आपने दर्शन किए, यहाँ पर आपने आशीर्वाद प्राप्त किया संत समाज का। यात्रा अभी तक कितनी कठिन रही है जरा ये बता, और आगे अब उम्मीद जगी है कि जल्द से जल्द बागेश्वर धाम जहां तक पहुंचना है वहां पहुंच जाएंगे। देखिए इस यात्रा में जैसे कि हमने एक मई से शुरुआत कर दी थी, भीषण गर्मी तो थी लेकिन बालाजी महाराज की इतनी कृपा रही हमारे ऊपर कि हमें कभी भी इस यात्रा में कोई भी थकावट या रुकावट ऐसी कोई अड़चन हमें महसूस नहीं हो पाई है, सिर्फ ये मेरे बालाजी महाराज की कृपा। इवन जब ये 22 से 29 वाला जो ये हफ्ता था इसमें बहुत ज्यादा गर्मी हो रही थी, हम लोगों को तो ऐसा फील हो रहा था मान लो 50 डिग्री टेम्परेचर हो या उसके भी ऊपर जा रहा हो, लेकिन फिर भी हमारे बालाजी महाराज ने इस यात्रा में बिल्कुल भी हमें व्यवधान नहीं आने दिए। MBBS के आप छात्र हैं और अभी आपके बारे में जब जानकारी हम जुटा रहे थे तो ये जानकारी मिली कि आपने संगीत की शिक्षा भी ली है 4 साल की उम्र से। नैना आपको बता दूं कि शिवरंजनी जो हैं वो राम भजन गाती आई हैं, राम कथा हो भागवत कथा हो वो करती आई हैं, तो ये सब मतलब एक तरफ MBBS के छात्र, दूसरी तरफ राम भजन गाना राम कथा करना, कैसे मैनेज करती है, कैसे इस ओर झुकाव हुआ? इस ओर झुकाव की अगर आपने प्रश्न किया है तो मुझे थोड़ा सा अपना फैमिली बैकग्राउंड बताना पड़ेगा। क्योंकि जो हमारा परिवार है वो परम पूज्य जगतगुरु शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद जी महाराज के परिवार से ताल्लुक रखता है। जो मेरे पिताश्री हैं वो पूज्य गुरुदेव जी के, शंकराचार्य जी महाराज के भतीजे लगते हैं, तो मेरे दादा दादी के समय से मैं अपने घर में आध्यात्मिक वातावरण देखती आई हूँ और मेरे माता पिता भी बहुत ज्यादा आध्यात्मिक है और मैं तो बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल और रिलीजियस हूँ ही, तो मेरे अंदर जो ये आध्यात्मिक की तरफ जो झुकाव था वो बचपन से था और मैं भगवान के भजन, भगवान की कथा, भागवत कथा में जब मैं 4 साल की थी तब से मैं करती आ रही हूँ। आपने भजन का जिक्र किया है तो ये सभी सुनना चाहेंगे क्योंकि बाबा बागेश्वर को भी हमने सुना है, पंडित धीरेन्द्र शास्त्री को भी सुना है भजन गाते हुए, अभी बिहार में गए थे तो बहुत चर्चा थी, वहां उन्होंने बिहारियों के लिए भी कुछ गाया था, तो हम चाहेंगे कि जो आपको पसंद हो और खासकर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री को ध्यान में रखकर आप कोई भजन सुनाए। मैं तो जरूर सुनाऊंगी और मैं आपको बताना चाहूंगी आपके न्यूज के माध्यम से, परम पूज्य महाराज श्री हर किसी के मन की बात जानते हैं लेकिन जब मैं उनके साथ में लाइव आऊंगी तो मेरी एक इच्छा है कि उनके मन की एक बात मैं सभी न्यूज चैनल को बताऊं, सिर्फ एक बात ही जान पाऊंगी मैं तो उनके सामने जब मैं भजन गाऊंगी। आप दावा कर रही हैं कि आप एक बात जान लेंगी? मैं दावा नहीं कर रही हूँ, मेरी केवल एक श्रद्धा है, मेरा एक आस्था है, मुझे ऐसा लगता है कि मैं उनके मन की कोई एक बात जानती हूँ। अच्छा, कोई एक बात जानती है, मतलब आप उसी दिन इस बात का भी खुलासा करेंगी कि आप
पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के मन की बात जो जानती हैं, आपको लगता है कि बाबा उस पर हामी भर देंगे कि ये बात सही है गलत है? मुझे मेरे बालाजी पे विश्वास है पूरा, मुझे लगता है कि जो मैं बात कहूंगी वो सत्य ही होगी। अब 99% मैं श्योरिटी ले सकती हूँ, 1% तो भगवान पे छोड़ना ही पड़ेगा, तो मैं तो महाराज जी की जैसे दावा नहीं कर सकती 100% का। 99% अगर आप कह रही है, यानी आपको, अगर मैं करेक्ट हूँ तो आपको पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के मन की बात वो अभी से पता है, और आप सिर्फ जब कैमरे के सामने उनके सामने मौजूद रहेंगी तो आप कन्फर्म करेंगी कि ये बात उनके मन में है या नहीं, ऐसा? हाँ ऐसा ही, कि जैसे कि मैंने बताया मैं 2021 से उनको कंटिन्यू फॉलो करते आ रही हूँ, उनकी सारी प्रसंग, सारी कथाएं, हर एक जो उनकी न्यूज होती है हर कुछ मैं सुनती रहती हूँ, क्योंकि मैं भी भागवत कथा करती हूँ, परम पूज्य महाराज श्री भी करते हैं, तो वो मुझे जो उनका जो कथा बताने का जो तरीका है, उनका जो दरबार लगाने का तरीका है, और जिस तरह से वो सनातन धर्म का प्रचार कर रहे हैं, मुझे उसमें बहुत ज्यादा आकर्षित होती है उनकी ये छवियां। नहीं, सनातन धर्म का क्योंकि आपने जिक्र किया, तो भजन सुनने से पहले मैं यहाँ सवाल ये जरूर करना चाहूंगी कि हिंदू राष्ट्र को लेकर जिस तरीके से पंडित धीरेन्द्र शास्त्री मुखर हैं, और कई बार वो उन्हें सपोर्ट तो ज्यादा मिल रहा है लेकिन निशाने पर भी हैं, उन पर अटैक भी की बात सामने आ रही है, उनकी सुरक्षा जो है बढ़ाई जाने की बात हो रही है, तो हिंदू राष्ट्र की बात जब बाबा करते हैं और लोग उन्हें निशाने पर लेते हैं, उनको क्या जवाब देना चाहिए? मैं उनको यही जवाब देना चाहूंगी, हमारा हिंदू राष्ट्र था, है और रहेगा, और अभी बीच में जो भी व्यवधान आ रहे हैं वो सब हट जाएंगे, हिंदू राष्ट्र तो बनकर ही रहेगा। और महाराष्ट्र की 3 बातें बताना चाहूंगी जो मुझे सबसे ज्यादा उनकी तरफ आकर्षित करती है। सबसे पहला है तो जो वो सनातन धर्म का प्रचार करने हैं, सेकंड जो उन्होंने हिंदू राष्ट्र बनाने का जो संकल्प लिया है, और जो तीसरा है जो उन्होंने कैंसर हॉस्पिटल बनाने की जो घोषणा करी है, ये मुझे 3 बातें बहुत ज्यादा पसंद है उनकी।